हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वैशाली और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वैशाली और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। सो आज का वीडियो होने वाला है हमारा पर्पल हॉल के ऊपर, क्योंकि अभी चल रही है सेल और पर्पल पे अभी सबसे अच्छी सेल चल रही है। तो आप बहुत सारे कॉस्मेटिक्स या फिर स्किन केयर, बॉडी केयर के कुछ भी प्रोडक्ट आप बुला सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिलेंगे। अप टू 50% ऑफ तक के ऑफ़र मिल जाएंगे आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स पे। सो मैंने बुलाया है पर्पल से कुछ प्रोडक्ट्स। तीन बॉक्सेस मेरे पर्पल के हैं और क्योंकि फ्लिपकार्ट पे भी सेल चल रही थी तो मैंने सोचा वाई नॉट हम फ्लिपकार्ट से भी कुछ चीज़ें बुलाएं। बिकॉज आप जैसे देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे आपको हर प्रोडक्ट अलग अलग रेंज पे मिलता है। किसी चीज़ में कुछ चीज़ें कम रेट पे मिलती है, किसी में कुछ पे ज़्यादा पे मिलती है। सो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा आपको बेटर साइट लग रहा है जिससे आप अपना सामान खरीद सकते हैं। सो मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने क्या क्या प्रोडक्ट्स मैंने बुलाए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट पैकेजिंग की बात करूँ तो इस तरीके से कार्डबॉक्स में ही आता है आपको प्रोडक्ट, और ऐसे आप बॉक्स ओपन करेंगे तो आपको इसके ऊपर बबल रैप होके आता है, और या फिर वो बैलून्स टाइप बना के रहता है जो पॉलिथिन, वो करके आता है। कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट्स दिखेंगे आपको। इंडिविजुअल बॉक्सेस के साथ आपको ऐसा बिल मिल जाता है, क्योंकि मैंने ऑफ़र में ख़रीदे हैं तो मैं आपको ऑफ़र प्राइस जो है और जो इसका MRP है मैं आपको दोनों यहाँ स्क्रीन पे यहाँ फ्लैश हो रहा होगा, आप देख सकते हैं, दोनों में डाल दूँगी। सो आप जस्ट इन केस आप चेक करना चाहें कि कितने में पड़ रहा है तो आप देख सकते हैं। सो मोस्टली जो प्रोडक्ट मैंने बुलाया है या तो स्किन केयर है या फिर मेकअप है। सो मैं आपको सारे प्रोडक्ट साथ में दिखाती हूँ, कोई पर्टिकुलर सीरीज़ में नहीं दिखा रही हूँ, जो हाथ में आएगा वही पहले दिखा देती हूँ। पहले मैं आपको पर्पल के पूरे दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको फ्लिपकार्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाऊंगी। पर्पल पे गुड वाइब्स करके एक ब्रांड है जिसपे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। सो ये बुलाया है मैंने गुड वाइब्स का पपाया फेस वॉश। ये एक्चुअली क्लेम करता है कि ये ब्राइटनिंग फेस वॉश है, सो मैंने सोचा व्हाई नॉट चेक किया जाए। एंड ब्राइटनिंग डजंट मीन कि आप काले से गोरे हो जाओगे। जो आपका स्किन टोन है, एक्चुअल जो आपका स्किन टोन है, अगर किसी भी फैक्टर की वजह से, चाहे सन टैनिंग हो या डर्ट हो, किसी वजह से डाउन हुआ है तो वो आपको रिटेन करेगा, आप गोरे नहीं होते। सो ब्राइटनिंग मीन्स आपका चेहरे का कलर जो है या स्किन कलर जो है सेम उस कलर का हो जाएगा। तो ये है हमारा फर्स्ट फेस वॉश। देन इसी के साथ मैंने सोचा व्हाई नॉट, अगर मैं फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ तो कॉम्बिनेशन के लिए कुछ पपाया का एक मास्क बुला लूँ, क्योंकि अगर हम दो चीज़ें साथ में यूज़ करते हैं सेम कैटेगरी की तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसी के साथ मैंने बुलाया है, ये भी गुड वाइब्स का है, ये पपाया ब्राइटनिंग स्लीपिंग मास्क है। गुड वाइब्स के मास्क काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड है, ऐसा सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने सोचा व्हाई नॉट इसे चेक किया जाए। सो ये रहा हमारा एक चीज़ जो मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ मैच करके देखूँ, आई थिंक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देन मैंने बुलाया है अरोमा मैजिक का टी ट्री फेस वॉश। ब्लॉसम कोचर काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करता है, अगर वो अपने मेकअप की बात करें तो या स्किन केयर की बात करें। मैंने सोचा वाई नॉट इसे एक बार ट्राई किया। इसी के साथ कॉम्बिनेशन के लिए मैंने ये वाला मास्क चूज़ किया, जो है ग्रीन टी फेस पैक। देन मैंने ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर बुलाया है। मैं सोच रही हूँ कि एक ब्लू हेवन का सिंगल ब्रांड ट्यूटोरियल मेकअप का बनाऊँ, सो फॉर दैट मैंने ये चूज़ किया। और इसी के साथ मैंने ब्लू हेवन का प्राइमर भी लिया है। इसके पहले जो मैं प्राइमर यूज़ कर रही थी वो इनसाइड का था, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, बहुत अच्छा है, बट क्योंकि ये ब्लू हेवन का है सो मैंने सोचा वाई नॉट इसे भी ट्राई करके देखा जाए। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने बुलाया है वो है एल्फ्स गुडनेस का ब्राइटनिंग फेशियल किट। हमें नॉर्मली 1 से 2 महीने में फेशियल करते रहना चाहिए ताकि हमारा चेहरा अच्छे से क्लियर हो जाए, क्लीन हो जाए। मैंने सोचा व्हाई नॉट इसे भी ट्राई किया जाए। देन मैंने बुलाया है एवर यूथ का तुलसी टर्मरिक फेस वॉश। फेस वॉश की ऐसी कैटेगरी है कि आप जो आपके स्किन कंसर्न है और जो वेदर चल रहा है उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। मुझे एक्ने का प्रॉब्लम तो नहीं है, बट मैंने सोचा व्हाई नॉट तुलसी टर्मरिक ऐसा कुछ ट्राई किया जाए जिससे पता चले कि हमारे चेहरे को कितना अच्छा बेनिफिट मिलता है। अगर आप वैसे भी टर्मरिक अपने चेहरे पे लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी समर हिट करने वाला है। मैंने सोचा व्हाई नॉट एक और फेस मास्क खरीद लिया जाए, बिकॉज सेल चल रही है, हम जितना ज़्यादा खरीदें उतना अच्छा है। देन ये है गुड वाइब्स का एलो क्यूकुम्बर फेस मास्क। मैंने 3 डिफरेंट टाइप के फेस मास्क बुलाए हैं, मैं आपको एक की पैकेजिंग ओपन करके दिखाती हूँ कैसी है।
अब इसे ऐसे ओपन करेंगे जैसे ही, तो ये आपको इस टाइप का कुछ लिड मिलता है। ये डिफरेंट टाइप का लिड है, हम ओपन करने का कुछ नहीं दिख रहा था, कहीं से भी ओपन कर लो उसको। और जैसे ही ओपन करेंगे आपको, आपको दिखेगा इसका कुछ ग्रीनिश टाइप का कलर है, बहुत प्यारा सा मडी ग्रीनिश टाइप दिख रहा है ये। और इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, बहुत नेचुरल वाली फीलिंग। कुकुम्बर की और जो नीम की और कुकुम्बर की मिक्स करके जो फ्रेग्रेंस आएंगी ना, कुछ उस टाइप की है। डेफिनेटली इसे ट्राई करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छा दिख रहा है ये। एक ऑफर चल रहा था जिसमें आप पर्टिकुलर अमाउंट का खरीद लेते हैं प्रोडक्ट, तो आपको उसके ऊपर कुछ फ्री प्रोडक्ट मिल रहा था, कोई फ्री भी, वो फिक्स नहीं था क्या देने वाले हैं। सो मुझे मिला है ये वाला फ्री भी, नॉर्मल बबल रैप में आया है। और ये है गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम। काफ़ी ज़्यादा मैंने इसका सुना है कि बहुत अच्छा सीरम है। नॉर्मली मैं सीरम यूज़ नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल फेस वॉश और मास्क लगा लिया, सफिशेंट है मेरे लिए। सो ये फेस सीरम है, और कहते हैं एक एज के बाद, ऑलमोस्ट 25 26 के बाद आपको सीरम लगाना स्टार्ट करना चाहिए, आपके चेहरे को काफ़ी अच्छा ग्लो देता है। सो डेफिनेटली मैं इसे एक बार ट्राई करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसा है। देन मैंने बुलाया है VLCC का एंटी टैन फेशियल किट। ये अब तक की सबसे ज़्यादा चीपेस्ट फेशियल किट है, मैंने अभी तक जितनी भी फेशियल किट देखी उसमें सबसे ज़्यादा चीप। और क्योंकि ब्रांड VLCC आपको पता ही होगा, बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स रहते हैं इनके। सो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगा था कि, मुझे ऐसा लगा था कि वन टाइम यूज़ वाला होगा, बट यहाँ देख सकते हैं इसका जो प्राइस है, इसका MRP 499 है, और आपको 499 में 6 फेशियल्स मिल जाते हैं। अब जैसे ही इसको ओपन करेंगे आपको देख सकते हैं 1 2 3 4 5, आपको 5 डिफरेंट टाइप की प्रोसेस मिल रही है, और उस 5 प्रोसेस के आपको 6 सेशन मिल रहे हैं, सॉरी 3 सेशन ये हुए और 3 सेशन ये हुए, टोटल 6 सेशन। को एक फेशियल किट में आपको 6 टाइम्स आप फेशियल कर सकते हो, और MRP 499 है। सो आपको एक फेशियल 100 रुपीज़ का भी नहीं पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा चीप है, मुझे पसंद आया ये प्रोडक्ट। सो गाइज, ये है मेरा लास्ट प्रोडक्ट जो है VLCC का एवरीडे स्किन वाइटनिंग एसेंशियल किट। इस किट में आपको मिलता है एक फेस वॉश, एक डे क्रीम और एक नाइट क्रीम। सो अगर आप डेली रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं जो आपकी स्किन को अच्छा रखे, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। नाम नाम के अकॉर्डिंग ये स्किन वाइटनिंग करता है, तो मैं इसे डेफिनेटली चेक करके बताऊंगी कि ये कैसे वर्क करता है, और क्योंकि ये VLCC ब्रांड का है तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। और इसी के साथ पर्पल के मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो ख़त्म हुए हैं, 3 बॉक्सेस थे, तीनों बॉक्स ख़त्म हुए हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने फ्लिपकार्ट से क्या क्या बुलाया। फ्लिपकार्ट से मैंने एज सच प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बुलाया बिकॉज क्योंकि मैंने इसके पहले जब नायका पे सेल चल रही थी तब मैंने वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे। अगर आप मेरा वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पे लिंक डाल दूँगी, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। सेल के टाइम पे आपको बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइसेस मिल जाते हैं कोई भी ब्रांड्स पे, सब कंपनीज अलग अलग ब्रांड को प्रमोट करती है, तो आप डेफिनेटली चेक करिए कि किस पे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, उसके हिसाब से आप ख़रीद सकते हैं। सो क्योंकि मैंने स्किन केयर और कॉस्मेटिक्स बहुत सारे उससे ख़रीद चुकी थी, नायका से भी और पर्पल से भी, बचे कुछ ख़रीद लिए, पर्पल से भी मैंने काफ़ी कुछ ख़रीद लिया। सो मैंने फ्लिपकार्ट से बहुत लिमिटेड चीज़ें बुलाई है। सो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने फ्लिपकार्ट से क्या क्या। ये है ADS का मेकअप फिक्सर। अगर आप मेकअप कर रहे हैं और आपने मेकअप फिक्सर नहीं लगाया है, तो आपका जो भी प्रोडक्ट लगाना है, जो भी उस चीज पे मेहनत गई है, वो टोटल वेस्ट जाएगी, बिकॉज वो बहुत जल्दी मेल्ट डाउन हो जाता है। और मेकअप फिक्सर आपके स्किन को आपके मेकअप के साथ टोटल इंटैक्ट रखता है। सो एक अच्छा मेकअप फिक्सर होना चाहिए। सो मैंने अभी ADS का यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ ADS सबसे ज़्यादा पुराना ब्रांड है, और मैं चेक करना चाहती थी, ये सबसे चीप मेकअप फिक्सर है और क्लेम करता है कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट इसे ट्राई करके देखा जाए कि ये कितना वर्थ ट्राइंग है। देन मैंने एक एलोवेरा जेल बुलाया है। एलोवेरा जेल ऐसी चीज़ है जो आपको नॉर्मल स्किन हो तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन हो तो भी कर सकते हैं, बेसिकली ऑल टाइप स्किन के लिए अच्छा रहता है। और एलोवेरा जेल आप चाहे तो प्लांट से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे पैकेजिंग पे खरीद भी सकते हैं, ये कन्वीनियंट होता है, इजी होता है।
ये एलोवेरा जेल को आप अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं, हेयर्स पे यूज़ कर सकते हैं, अगर कुछ फेस पैक वगैरह बना रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपर्पज़ है इसलिए मैंने इसका एक ट्यूब बुलाया। देन मैंने बुलाया है EDS का कॉन्टोर पैलेट। इस कॉन्टोर पैलेट में आपको काफ़ी सारे शेड्स मिल जाते हैं, ये देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे। जैसे इसमें ग्रीन कलर है, ये आपके नॉर्मली स्किन टोन के हिसाब से कलर आते हैं, और जो ग्रीन कलर है अगर आपको पिंपल हुआ है और जो रेड पैच आता है वो सबको रिमूव करने के लिए ग्रीन कलर बहुत अच्छा रहता है। सो मैंने एक ये भी पैलेट बुलाई है। अगर आप बिगिनर है तो आप डेफिनेटली ऐसी कोई चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको कम अमाउंट में ज़्यादा चीज़ मिले और आप ट्राई आउट करके देख सके। बहुत से लोग अपना स्किन फाउंडेशन कलर नहीं जानते हैं कैसा है, सो मैं कहूँगी एक बार इसे ज़रूर चेक कीजिए, बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट इंडियन स्किन के हर कलर मिल जाते हैं। सो आप उसके बाद अपना फाउंडेशन मैच कर सकते हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, या तो आपने DIY भी बहुत देखे होंगे या फिर ऐसे पैकेजिंग में भी देखा होगा। सो हम बता रहे हैं आपको चारकोल मास्क। ये चारकोल मास्क जो पील ऑफ मास्क रहता है वैसा है, आपको आपके चेहरे पर पूरा लगाना है और फिर उसको ऐसे पील ऑफ करना है। कहते हैं कि ब्लैक हेड्स में बहुत इफेक्टिव रहता है, बट ये हार्श होता है स्किन पे, सो बहुत ज़्यादा लोग ट्राई नहीं करते हैं पूरे चेहरे पे, बट चाहे तो आप अपने यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए। सो डेफिनेटली इसे भी एक बार ट्राई करना चाहिए। मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिए, ताकि मैं वहाँ पे भी जो छोटे छोटे वीडियोस पोस्ट करती हूँ आप उसे देख सकते हैं। देन मैंने बुलाया है ये लैश कर्लर। अगर आप बिग लैशेस के बहुत ज़्यादा फैन है तो आपको ये चीज़ डेफिनेटली पसंद आएगी। आपको सिर्फ अपने मस्कारा को लगाना है और यूँ कर्ल करना है, थोड़े ध्यान से करना बिकॉज ये आपके लैशेस के जस्ट पास आता है। देन मैंने बुलाया है ये लिप बाम का सेट। डेली बेसिस पे आप लिपस्टिक नहीं लगा सकते, सो आपको एक कलर्ड लिप बाम होना ही चाहिए आपके पास। आप चाहे तो दूसरे ब्रांड की भी यूज़ कर सकते हैं, मेबलिन की, बेबी लिप्स के बहुत सारे आते हैं। ये बेसिकली बेबी लिप्स का ड्यूप है। ये समथिंग 199 का मुझे पड़ा है, चार शेड्स है। कलर इसके डिफरेंट दिख रहे हैं, बट जब इसको आप अप्लाई करते हैं तो सबको पिंक कलर ही आता है, सो मुझे बजट फ्रेंडली लगा। देन मैंने बुलाया है EDS का लिप लाइनर का सेट। अगर आप चाहें तो इसे इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं, बट इंडिविजुअल कॉस्टली पड़ता है, सो मैंने सोचा व्हाई नॉट हम एक पूरा सेट ही खरीद ले। डिफरेंट डिफरेंट कलर के 12 लिप लाइनर सेट मिल जाते हैं, सो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। अगर आप बिगिनिंग में लिपस्टिक नहीं लगाना चाहते हैं सो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, पहले लिप लाइनर से एक आउटलाइन बना ले देन लिपस्टिक अप्लाई करें, उससे आपकी लिपस्टिक स्मज भी नहीं होती है। देन हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है जो हमने फ्लिपकार्ट से बुलाया है वो है ये पेंसिल। ये आईब्रो पेंसिल नहीं है, ये आई लाइनर पेंसिल है। ये मालियो ब्रांड की है और वाटर प्रूफ है, सो मैंने सोचा कि वाई नॉट एक वाटर प्रूफ आई लाइनर पेंसिल भी हो। हर कोई का लिक्विड लाइनर पे बहुत अच्छे से हाथ नहीं बैठ पाता है, सो अगर आप बिगनिंग में कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो आप ऐसी पेंसिल ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इस साइड देखिए आप, इसका टिप कितना ज़्यादा अच्छा है। और एक एक स्वाच दिखाती हूँ आपको, आप देख सकते हैं एक सिंगल स्वाच में भी कितना अच्छा कलर आया है इसका, और काफ़ी डार्क भी है। और मैंने इसे ट्राई करके देखा, ये वाटर प्रूफ है। अगर आप इसको लगाने के बाद, मैंने हैंड्स पे लगाया था और मैंने इसको प्रॉपर सोप से वॉश किया तो भी ये अच्छे तरीके से नहीं निकला, मतलब आप कह सकते हैं कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। और इसी के साथ हमारा फ्लिपकार्ट का भी बॉक्स हुआ एंड। अगर आपका मेरा वीडियो को लेकर कोई कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज़ उसे भी डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छी वीडियो बना के दिखाऊँ, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे वो भी मेंशन कीजिए। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी फ्लैश हो रहा है, आप उसे भी जाके फॉलो कीजिए, बिकॉज हर चीज़ वीडियो में डालना पॉसिबल नहीं है। सो मैं वहाँ पे भी छोटे छोटे वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ, सो आप मुझे वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही अमेजिंग वीडियो बनाने के लिए। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।